जी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर बालाघाट जिला के उकवा से। ग्राम पंचायत लगमा के प्रभारी सचिव ने आंगनवाड़ी ठेकेदार पर राशि गबन करने का आरोप। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत अनेकों प्रकार की योजना निकालकर जीरो से लेकर किशोरी बालिकाओं एवं धात्री महिलाओं तथा हितग्राहियों को लाभ देने का कार्य किया जा रहा, साथ ही 9,50,000 रुपए की लागत से भवन निर्माण भी कराया जा रहा जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्था हो और इसकी एजेंसी ग्राम पंचायत रहती है, किंतु ग्राम पंचायत के द्वारा ठेके पर देकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। तीनों तथा व्यापारियों को सामग्री का भुगतान नहीं किया जा रहा और आंगनवाड़ी बनकर तैयार है जिससे कि व्यापारियों मजदूर लोग परेशान दिखाई दे रहे। इसी प्रकार का एक मामला जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत लगमा का सामने आया। प्रवीण चौहान, देवानंद हरिनखेड़े, प्रदीप चौहान, अंकित पटले और मुकेश बोपचे ने प्रभारी सचिव भागुलाल पटले एवं आंगनवाड़ी निर्माण के ठेकेदार अरुण गडेर पर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि ग्राम पंचायत लगमा के अंतर्गत 3 आंगनवाड़ियों का निर्माण कराया जा रहा जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 5,00,000 रुपए दिए जाते हैं, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा 4,50,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसा कुल मिलाकर 9,50,000 रुपए की आंगनवाड़ी स्वीकृत की जाती है। इस तरह आंगनवाड़ी केंद्र राजूर बैगाटोला, आंगनवाड़ी केंद्र छिंदीटोला एवं आंगनवाड़ी केंद्र बैगाटोला में भवन निर्माण के लिए कराया गया। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा सुप्रीम पावर न्यूज पर। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं प्रवीण कुमार चौहान, ग्राम पंचायत लगमा का निवासी हूँ। मेरी इलेक्ट्रीशियन की दुकान है, बिजली फिटिंग उकवा में, सिद्धि इलेक्ट्रिकल के नाम से, जो जिसमें GST बिल भी है, सब चीज इंक्लूड है। लेकिन ग्राम पंचायत लगमा के सचिव फागुलाल पटले को मैं बार बार भी बोला, लेकिन अभी तक की उन्हें मेरे नाम से बिल नहीं निकाले और इसका बिल निकल चुका है। कहाँ सामान दिया आपने? मैं आंगनबाड़ी में दिया हूँ। कौन कौन सी आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी ग्राम पंचायत लगमा की तीनों आंगनबाड़ी में मैंने संपूर्ण सामान दिया हूँ। कहाँ कहाँ आंगनबाड़ी बनी है? ग्राम पंचायत लगमा में छिंडी टोला में बनी है, बैगा टोला में बनी है और एक कहाँ बनी, बैगाटोला में बनी, तीनों वहीं बनी। कितने का सामान दिए थे लगभग? लगभग मैंने 50,000 से 60,000 का सामान दिया। काय का सामान दिए थे? बिजली फिटिंग और नल फिटिंग का। तो भुगतान अभी तक नहीं हुआ? नहीं, भुगतान नहीं हुआ और बिल दूसरे के नाम से निकल चुका है। किसके नाम से निकल चुका है? पता नहीं, संजय अग्रवाल के नाम से निकला है पता चला है। पता चला है, उसकी छानबीन की है, कराया है आपने? नहीं, वो मनरेगा में दिख रहा था कि एक आंगनबाड़ी का पैसा निकल चुका है। पंचायत दर्पण में? हाँ, पंचायत दर्पण में। अच्छा, ये बताइए आप, आपने इस बारे में ठेकेदार और पंचायत सचिव से बात किया? मैंने बार बार बोल चुका था कि मेरे नाम से आपने बिल क्यों नहीं लगाया करके, तो उन्होंने बोले कि वहाँ से पैसा निकलेगा उनके बिल से जब आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन अभी तक के मेरे को पेमेंट नहीं मिला है। कितना बिल? मेरा 65,000 से 70,000 के लगभग बिल है पूरा। और किसी का पेमेंट नहीं हुआ है? ये फिटिंग करने वाले जितने थे लड़के, उनका भी पेमेंट नहीं मिला। आपका कितना कितना रुका हुआ है? सर मेरा 25,000-30,000 रुपये। आपका? 10 से 15,000। आपका? मेरा 5,000-6,000। 5,000-6,000, यानी सभी का पेमेंट रुका हुआ है जी। और भुगतान निकल चुका है? निकल चुका है। तीनों आंगनवाड़ी का निकल चुका है जी? नहीं, एक का नहीं निकला है, लेकिन दो का निकल चुका है। दो का निकल चुका है, इसका हैंडवर्क हो चुका है, काम पूर्ण हो चुका है। अच्छा, तो पंच आपका क्या संदेह, किसने पैसा निकाल लिया है? पैसा तो इनने निकाल के, सचिव लोगों ने निकाल लिया है। और आपको दे नहीं रहे? नहीं दे रहे। हाँ। तो आप मीडिया के माध्यम से शासन तक पहुंचना चाहते हो? हाँ, शासन। क्या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? होना चाहिए कार्रवाई। ठीक, ये जो बयान दे रहे हो अपनी मर्जी से दे रहे हो? हाँ, अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, किसी के दबाव में तो नहीं? नहीं।